हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड टोस्ट। ये बना के आप गर्मा गर्म खाइए, बहुत टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। केवल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसे सुबह नाश्ते में लिए या फिर लंच में दें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड टोस्ट। ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, एक टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए, थोड़ा सा धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च कटी हुई, एक प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए और ये 5 ब्रेड। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब हम बेसन में कुछ पहले मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक डाल लें। और इसमें हम पानी डाल के इसको पहले अच्छे से इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक बार हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। और इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, ये जो बेसन है उसमें कोई गुठली भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी से खूब अच्छे से आप इसे फेंट लें। थोड़ा सा और पानी लगेगा इसमें, ऐसा बैटर तैयार करना है जिससे कि हम इसमें ब्रेड जो डिप करें तो एक पतली सी लेयर ब्रेड पे लग जाए। तो ये देखिए ऐसा होना चाहिए उसका फ्लो, जैसे हम चीला का बैटर तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा पतला, चीला के इतना नहीं, उससे थोड़ा सा पतला हमें बैटर तैयार करना है इसका। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम 2 हरी मिर्च कटी हुई, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दें, 1 टमाटर कटा हुआ और 1 प्याज कटा हुआ और थोड़े से धनिया के पत्ते कटे हुए। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये ब्रेड टोस्ट के लिए बैटर जो है वो तैयार हो गया। इसे हम साइड करते हैं पहले। तो टोस्ट तैयार करने के लिए हम तवा ले लेंगे और पहले उसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तवा जब गर्म हो जाए तब उसमें बटर डाल देंगे। और एक ब्रेड को जो बैटर हमने तैयार किया है उसमें डाल के ऐसे करके और निकाल लेंगे और गैस को कम कर देंगे। निकाल के हम तवे पे डाल देते हैं और गैस को कम कर देते हैं जिससे कि बेसन जो है वो अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अगर आप तेज पे बनाइएगा तो फिर वो कच्चा रह जाएगा। और इस पे से थोड़ा सा प्याज टमाटर वगैरह घोल के साथ लेके और इसको हम ऊपर से डाल देते हैं। अब इसे हम सिकने देते हैं अच्छे से। ये एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा बटर डाल देते हैं और इसे पलट देते हैं। और फिर इसको भी ऐसे ही कम चूल्हे गैस का फ्लेम करके और पकने देंगे। इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से
उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। तब तक सेकना है जब तक कि बेसन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो गैस की फ्लेम जो है वो कम ही रखनी है हमें, और दो तीन बारी से उलट पलट इधर उधर करके और इसे अच्छे से सेक लेना, हल्का सा हाथ से दबा दे जो अच्छे से ये ब्रेड सिक जाए। ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया, ये देखिए ये ब्रेड टोस्ट बनके तैयार हो गया। आप इसे सुबह नाश्ते में बना के खाएं गर्मा गर्म, या ऐसे भी चाय के साथ आप इसे बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये टोस्ट बनके कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह जितनी भी ब्रेड टोस्ट हमें बनानी है वो हम बना लेंगे। ये सारे टोस्ट मैंने बना लिए, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आप मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।